आज हम पहुंचे हैं किसान आंदोलन के 11वें दिन, 5वीं चरण की वार्ता समाप्त होने के बाद 11वां दिन आज है। और 11वें दिन आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, जिसको टिकरी बॉर्डर कहा जाता है, टिकरी बॉर्डर पर। यहां पर भी किसान आंदोलनरत हैं और इस आंदोलन में आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ ही जिस तरीके से किसान ही किसान यहाँ पर हैं। इस तरफ दिल्ली का बॉर्डर है और इस तरफ हरियाणा, उस तरफ बैरिकेडिंग लगी है मेरे पीछे। बैरिकेडिंग से आगे का जो एरिया है वो दिल्ली है और जहाँ हम खड़े हैं इस साइड, इसके पीछे जो एरिया है वो हरियाणा का एरिया है। जब कल हमने आपको दिखाया और सुबह से जो हम आपको दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर की जो तस्वीर, जहाँ पर पंजाब लगभग अपना कब्जा जमाए हुए है और पंजाब के अनेकानेक किसान वहाँ पर हैं, यहाँ पर हरियाणा और पंजाब दोनों की मिलीभगत हमें दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं वो हम दिखाते हैं आपको। मेरे पीछे आप देखिए चरखी दादरी की एक सभा है, उसके लोग हैं यहाँ पर। उसके बाद इधर कुछ और लोग हैं हमारे पास, हम उनसे भी बात कराएँगे, आपकी बातचीत करेंगे इनसे, इन सभी लोगों से बातचीत भी करेंगे और पूछेंगे भी कि किस तरीके से, किस लिए, कैसे, कितने समय से, कब कब कौन कौन आंदोलन के लिए यहाँ पर आया और क्या आगे इनका रुख होगा। आज एक बैठक भी थी इनकी, जो बैठक पर इन्होंने निर्णय लिया, 8 तारीख को भारत बंद का भी इन्होंने आह्वान किया है। और भारत बंद में जिस तरीके से जो चीज़ होने वाली है, 8 तारीख को जिस तरीके से बातचीत होंगी, किस तरीके से 5वें स्तर की वार्ता के बाद आगे की वार्ताएं बढ़ेंगी और 6ठे स्तर की जो वार्ता है उससे पहले इन्होंने भारत बंद का भी आह्वान किया है, क्या होगा, क्या दिल्ली को घेर लिया जाएगा। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, पहले उनसे चर्चा कर लेते हैं। जी कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? हिसार। हिसार से हैं। कब से हैं आप यहाँ पर? बोल हम तो भाई लगातार 26 तारीख तक चले थे, घर तो लगड़े हैं कई दिन के, लेकिन 11-12 दिन हो गए हैं बॉर्डर। 11-12 दिन में कुछ संतोषजनक जवाब या प्रक्रिया आप लोगों की सरकार के लिए या खिलाफ? कोई संतोषजनक जवाब नहीं सरकार का, बहुत ही घटिया रवैया अपना रही सरकार। जब देश का किसान यहाँ सड़क के ऊपर पड़ा है, सरकार के लिए भी शर्म की बात है, कहीं ना कहीं देश के लिए भी शर्म की बात है, देश की भी छवि खराब हो रही है। आज संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव है उसका भी बयान आ लिया, भाई सरकार किसान की सरकार को सुननी चाहिए। बयान तो संयुक्त राष्ट्र नहीं, कई अन्य देशों का भी आया है, लेकिन उसके अलावा जब सरकार, अभी तक 5 स्तर की वार्ता हुई है, 5 स्तर में सरकार की और किसानों का कोई समाधान नहीं निकला है, तो उसके बाद आगे आज आपके यहाँ एक बैठक भी होनी थी, आगे का लिए क्या निर्णय है आप लोगों का? एक सवाल आप सरकार के लोगों से ही पूछो, क्या जरूरत है 5 स्तर की बातचीत के लिए? क्या कानून बनाया जब 5 स्तर की बातचीत हुई थी? बातचीत का जो लोकतंत्र के अंदर सबसे अच्छा जो जगह है ना वो है संसद, और कोई कानून निरस्त करना हो, बनाना हो, वहाँ बातचीत होती है। लेकिन ये देश का पहला कानून बनाया है जहाँ संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर कोई बहस नहीं हुई, बिना बातचीत के, बिना बहस के कानून। बहस इसलिए नहीं हुई क्योंकि तो सरकार बहुमत में है, जब पक्ष और विपक्ष बराबर होता बहस वहाँ की जाती है। लेकिन अब जो वार्ताएं हो रही हैं अभी तक कोई हल नहीं निकला उसका, तो उसके बाद आप लोगों का आगे के लिए क्या निर्णय है, अब क्या किस तरह की? यही तो समझ में नहीं आ रहा, के बात करने लग रहे हुए हैं और 12-12 घंटे तक के बात करनी है, 10 मिनट का काम है। जिस प्रकार से ये कानून बनाया था, कुछ बातचीत नहीं करी किसी संगठन से या किसी किसान से, इसी प्रकार से कानून वापस लेना है, 2 रुपये बात है किसान नेताओं की, 2 एक के स्टैंड हमारा आया, नाम जवाब दे दो, नहीं करना तो नाइट जाओ, करना है तो वहाँ भर दो। इसमें बातचीत 12-12 घंटे बातचीत चल रहा है, उस तक किमें लकड़ के नहीं आता। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार नहीं जाना चाहती है आप लोगों के साथ, तो आगे का किसानों का क्या निर्णय है? आगे का निर्णय ये है, यहाँ बैठे हैं हम, अपना राशन पानी लेके आ रहे हैं, और 8 तारीख ने पूरा भारत बंद कर दिया जाओगा, उस 8 तारीख को किसान का बच्चा बच्चा सड़क के ऊपर लकड़ेगा और इतना बड़ा बंद होगा। ये तो खाली आप देख रहे हो तो कि हरियाणा, पंजाब, यूपी जो नज़दीक के स्टेट हैं, क्योंकि रेल बंद है, अगर रेल तो खुलनी होती ना तो यहाँ संख्या करोड़ों में होती। 8 तारीख में पूरा भारत बंद होगा और ऐसा बंद होगा कि सरकार की आंखें खुलेंगी, जिसका अनुमान ना तो सरकार को है, ना किसान नेताओं को है, किसी को अनुमान नहीं है। और मैं तो नहीं कहूँगा यो बंद खुलेगा ना खुलेगा, इसका अंदाजा भी मुझे नहीं। क्या प्रारूप होगा भारत बंद का?
प्रारूप तो सीधा सीधा है कि जो जहाँ जहाँ भी रास्ते हैं मैन रास्ते हैं सारे ब्लॉक करे जाएंगे, जो रोड है सारे ब्लॉक करे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मजबूर कर दिया किसान को। वैसे तो यहाँ इतने दिन से बैठे हैं और जो ये कह रहे हैं कि बातचीत बातचीत तो 6 महीने पहले करते, और 2-3 महीने पहले बैठे ने पंजाब के अंदर भी हरियाणा के अंदर भी विरोध हो रहा शुरू का। क्या इनको शर्म नहीं आती? क्या एक हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए हमने रोड के ऊपर बैठना पड़ा है? दिल्ली 500 किलोमीटर सिर्फ हमारे गल बातचीत करने खातर। क्या 40 ये जो प्रतिनिधि थे पहले नहीं आ सके थे? इनको पहले पता नहीं था इसमें इनके अंदर फॉल्ट है। तो दिल्ली बॉर्डर पर हमने देखा है कि आप लोगों का भी काफ़ी वहाँ नुकसान हो रहा है। 1500 ट्रक लगभग सिंघू बॉर्डर पर हमने देखे हैं, जो काफ़ी दिनों से खड़े थे आंदोलन के टाइम पहुंच रहे थे यहाँ, और बॉर्डर बंद होने के कारण प्रवेश नहीं कर पाए, माल ख़त्म हो गया। तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप लोगों का काम भी होता रहे और प्रोटेस्ट भी होता रहे? रास्ता है, हम तो किसी ने नहीं रोक रहे, सरकार ने हम रोक रखे हैं। हमने रास्ते नहीं रोक रखे, सरकार ने हम रोक रखे हैं, रास्ते सरकार ने रोके। ये पहला आंदोलन है देश का जिसमें सरकार तो रोड पड़वा रही थी, जैसे पंजाब के साथ तैयार थे ना, हरियाणा में सारे सरकार ने रोड पड़वाए जेसीबीओ के साथ। और पहला आंदोलन है जिसमें हमने रास्ता नहीं रोका, जिसमें किसान ने रास्ता नहीं रोका। सरकार ने आप देखो बैरिगेट लगा के ना, पुलिस लगा रखी है, सरकार रास्ता रोक रही है, हम रास्ता नहीं रोक रहे। और रही नुकसान की बात, जब किसान के जीवन का ये सवाल है, किसान के बच्चों का जीवन का सवाल है, किसान पूरे देश को सदियों से देता आया है, खिलाता आया है, पहली बार दिल्ली में आया कि ने किसान ने अपने हक की बात करी है। दिल्ली से किसान ने कभी कुछ नहीं मांगा, केवल वोट डाल ले घर बैठ जाए, पहली बार मांग रहा। तो क्या देश को इस किसान की समस्या को समझने की भी जिम्मेवारी देश की है? अगर किसी भाई ने कोई परेशानी हो रही है तो आपसे भी निवेदन करूंगा, भाई परेशानी आपको 2-4 दिन और हो सका है और थोड़ी बहुत बढ़ भी सका है, लेकिन आप किसान का पैदा किया वाहन खाते हैं, आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि किसान आपके लिए 12 महीने तक आपको आटा पहुँचावा है, सब्जी पहुँचावा है, दूध पहुँचावा है सर्दी गर्मी में काम करके। तो आपको भी थोड़ी बहुत अगर परेशानी सहन करनी पड़े तो किसान को आपकी ज़रूरत है और आपके समर्थन की ज़रूरत है। पहली बार किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, इस लड़ाई में आप लोग साथ दें, परेशान ना हो। और जितना नुकसान हो रहा है उस सारे नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए, सरकार जिम्मेदार है, न कि किसान जिम्मेदार है। किसान तो अपने साधन लेके बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से एक रास्ते पर एक साइड में चल रहा था और दिल्ली के अंदर जाना था, सरकार ने उनको रोका, इसलिए यहाँ बैठ गए और ऐसे बैठ गए। आड़ते आर पैर की लड़ाई होगी, सरकार ये बका रही है ना कि वार्ता होगी, 5 सत्र की होगी, 6 सत्र की होगी, ये संख्या बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने 1 के 70 की वार्ता में बात बढ़ जाती, हमने कहीं ना कहीं षड्यंत्र करी है। अब 9 तारीख रख दी, आप बताओ 9 तारीख आज बात नहीं हो सकती, तड़का ही बात हो सका है। चलिए वो सरकार की प्रक्रिया है जिस तरीके से है, है कि सरकार की मंशा ये है, जो भी मंशा है सरकार की, हम चाहेंगे समाधान जल्द से जल्द हो। आप कहाँ से हैं? मैं रोहतक से हूँ। मेरा एक कहना है कि जब इस देश के एक प्रधानमंत्री ने अपने लोगों से ये अनाज के भाव में कहा था कि हफ्ते में एक दिन भूखा रहो, व्रत करो, ये अनाज की कमी थी। उस टाइम पर हम लोगों ने जो हमारी पैदाइश हमारी 1 एकड़ ज़मीन में 10 से 12 मण थी, हम उस पैदाइश की पैमाना बढ़ाकर हमने 50-60-55 मण पर उस ज़मीन को लेके गए हैं। उसी खेत से हम इतना अनाज हमने देश को दिया है कि देश के भंडारण में भी उसका ढंग से भंडारण नहीं कर पा रही है। हम वो लोग हैं जब देश भूखा मर रहा था तो हमने खुद भूखे रह के देश के लिए इनका भंडारण कराया है। आज हमारे अनाज खरीदने में सरकार इस तरीके के संवैधानिक कानून लेकर आ रही है जिससे हमारे को सीधे तौर पर परेशानी है, और हम किसी भी सूरत में इन कानूनों को नहीं मानेंगे। चलिए, कानून नहीं माना जाएगा, और जिस तरीके से वार्ताएं बढ़ती जा रही है और वार्ताओं का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए देखना अब लाजमी होगा कि किस स्तर तक ये वार्ताएं चलेंगी और कैसे इन वार्ताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ और लोग भी हैं हरियाणा से हमारे साथ, उनसे भी हम वार्ताएँ करेंगे। जी, कहाँ से हैं आप? बलदेव राशिवास, चरखी दादरी, हरियाणा से। बशप, चलिए, चरखी दादरी का भी समर्थन है यहाँ पर, अभी हमने दिखाया और बताया भी था आपको। मांगे जिस तरीके से सरकार वार्ताएं बढ़ाई जा रही है आगे, और जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर सड़क पर हैं, तो कब तक ये वार्ताएं बढ़ेंगी और आपकी तरफ से कब तक इस तरीके का प्रदर्शन चलता रहेगा?
भाई साहब हमारे प्रदर्शन की तो ऐसे है, जब तक ये तीनों कानून वापस सरकार नहीं ले लेगी, काले कानून जो बनाए हैं किसान का दहन करने के लिए, न कि किसान को ऊपर उठाने के लिए, और पीएम साहब बोल रहे हैं कि किसान को मैं पवित्र मन से और पवित्र जल से और पवित्र धरती से किसान को बताना चाहता हूँ कि ये कानून गलत नहीं है, किसान के फायदे के हैं। तो किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मोदी जी एक बार दो बार हमारे से गलती होगी, झूठ बोल के वोट ले जाइए साहब आप, लेकिन बार बार आप झूठ बोल के हमें कितने दिन और गुमराह करोगे और क्यों करोगे, किस लिए करोगे? किसान की क्या गलती है? रात को पानी लगाता है खेत में, मेहनत करता है, दिन में भी करता है, रात होती है सोने के लिए, लेकिन किसान नहीं सो पाता क्योंकि उसको इतना दबा दिया है, हर सरकार ने दबाया तो हर सरकार ने है, लेकिन मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा दबा दिया है और वो 24 घंटे दिन और रात भागता रहता है। 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान है आप लोगों की तरफ से, कितना और कैसा समर्थन और किस स्तर का बंद होने का अभाव है उसका, किस स्तर का बंद वो आप लोगों की तरफ से होगा? हमारी तरफ से बंद नहीं है, ये सरकार बंद करवाना लगातार वार्ताएं दे रही है, इसलिए हमें मजबूर होकर पूरा भारत बंद करने पर हमने मजबूर होकर ये फैसला लिया है। और सरकार ये चाहेगी कि हम वैसे कुछ इसमें बीच में उग्रवाद फैला दें या और कुछ कर दें, तो ये सरकार की मंशा को मैं दूर कर देता हूँ, ये उनकी गलत सोच है। ये शांति प्रिय किसान कर रहा है, इसको समझ में आ गई है क्या सरकार की क्या थ्योरी है और किसान को कैसे बदनाम करना चाहती है। पूरा भारत बंद होगा, सब वकीलों से सबसे समर्थन मिल रहा है, हर जगह समर्थन मिल रहा है और भारत बंद होगा। और भी लोग हैं हमारे पास यहाँ पर, तो आप सरकार कहती है कि यहाँ पर आप लोग बैठे हैं खुले में हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, कोरोना का बहुत प्रभाव है, इसीलिए आपको दिल्ली में नहीं प्रवेश करने दिया, क्या कहेंगे? इतने लोगों के बीच में कितने अभी तक आपकी नज़र में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और किस तरीके से उसको आप बताएंगे कि कैसा कोरोना है यहाँ पर? ऐसा है भाई साहब, कोरोना का तो एक बहाना है, हमारे यहाँ लाखों 10-12 दिन से लोग पड़े हैं, वो एयर कंडीशन में सोते हैं, हम रोड पे सोते हैं, एक भी कोई केस आया हो तो आप बताओ, आप देखते हो घूमते हो, कोई भी केस अगर इस पब्लिक में कोरोना का मिला हो तो बताएं हमारे को, और मिलेगा भी नहीं। इसका एक मुख्य कारण है हम मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, पशुओं का देखभाल करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, पसीना निकालते हैं शरीर से, ये लोग शरीर में पसीना कहाँ निकालते हैं, ये तो हमारा खून निकालते हैं। चलिए, आप युवा हैं, आप भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो किस हद तक युवाओं का इस आंदोलन में समर्थन है और किसानों का जो ये आंदोलन है इसमें जितने युवा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें से कितने ऐसे युवा हैं जो वाकई में खेतों में जाकर काम करते हैं? 90% जो युवा है जो किसान से रिलेटेड है वो खेतों में काम करते हैं। जो युवा की है भागीदारी बहुत ज़्यादा है, अगर युवा एक ग्रेजुएटेड भी होता है, युवा 10वीं प्लस 2 यानी कि उसको एजुकेटेड होता है, युवा जब भी बाहर निकलता है जब उसको ऐसा लगता है भाई तेरे साथ गलत हो रहा है, कभी भी देख लेना आप, युवा जब भी बाहर निकलता है जब आपको उसको ऐसा महसूस हो रहा है भाई तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ युवा की बहुत बड़ी भागीदारी है और ये आंदोलन एक युवाओं का आंदोलन है। बूढ़े हमारे साथ है, हमारे बड़े हैं, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है, लेकिन यू आंदोलन है जो युवाओं पर ही बहुत केंद्रित है, युवा इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले। भारत बंद में अभी तक जो आपको समर्थन मिलता दिख रहा है किसानों के अलावा उसकी और किन किन श्रेणियों का 8 तारीख को आप समझते हैं कि समर्थन आपको मिलेगा और आप लोग सक्सेस होंगे सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए? हमारे को हर एक जो भी जैसे बार एसोसिएशन, पेट्रोलियम, जैसे हर एक विभाग का सपोर्ट मिल रहा है, बिजली विभाग का, सबका, सब हमारा पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं और हम भी उनका उसी तरह सहयोग दे रहे हैं, इस तरह भारत में 8 तारीख को पूरा चक्का जाम होगा। चलिए, निष्कर्ष यही है कि भारत में 8 तारीख को चक्का जाम होगा। आप लोगों से अपील है कि 8 तारीख को समय से घर से निकलें, काम पर जाने वाले जो हैं युवा, रोजगार पर जो जाने वाले लोग हैं या अपने अपने काम के लिए जहां भी गंतव्य तक पहुंचने वाले लोग हैं, आप सभी को यही हम अपील करेंगे कि 8 तारीख को
समय से निकलें और समय से अपने गंतव्य तक पहुंचे। घरों से निकले नहीं, घरों से ना ही निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। जो किसान यहां पर मौजूद हैं इस वक्त, उनका ये कहना है कि ना ही निकलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके अनुसार 8 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा, जगह जगह सड़कें जाम की जाएंगी और वो दिन होगा 8 तारीख। उससे पहले सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या इसको दबा दिया जाएगा, क्या रोक दिया जाएगा, क्या 8 तारीख का चक्का जाम करने से पहले किसानों की बातें सरकार द्वारा मान ली जाएंगी, ये सब भविष्य के गर्भ में है। हेमंत कुमार शर्मा, तनुज और सचिन के साथ टीकरी बॉर्डर से।